Good morning to all of you. Today we are continuing your chapter first, Physical Features of India. So let's start page number 221. Last class में हमने इंडिया के मैप के बारे में डिस्कशन किया था एंड इंडिया के फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था. So today we are discussion about India's states and physical features. हमारे इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे. पेज नंबर 221, रीड द पैराग्राफ. देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 28. ठीक है. दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी. दिल्ली क्या है? हमारे इंडिया की नेशनल कैपिटल है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिजिकल फीचर्स. हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में. The land surface of India varies from place to place. जो हमारे इंडिया की लैंड है, excuse me, sorry, जो हमारे इंडिया की लैंड है, उसका अलग-अलग पार्ट, अलग-अलग जगह पे है. You know, आप मैप में देख सकते हो कि अलग-अलग पार्ट बना हुआ है. Like नेपाल का अलग सा पार्ट है, पाकिस्तान का अलग है. हमारे इंडिया में अगर बात करें तो like desert, डेजर्ट का पार्ट अलग है, रिवर्स का पार्ट अलग है, राइट, लेक्स बनी हुई है. नाउ इट इज नॉट द सेम एवरीवेयर. हर जगह एक जैसा तो नहीं है, राइट. इट हैज अ हाई माउंटेन. अब बात करें हमारे इंडिया के माउंटेन्स की, तो हमारे इंडिया के माउंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे. लाइक साउथ की तरफ अलग है, नॉर्थ की तरफ अलग है. लाइक आप ऐसे भी बोल सकते हो लाइक, ठीक है, बिग प्लेट्यू, लार्ज प्लेन्स, अ डेजर्ट, लेक, रिवर एक्सेट्रा. मैंने आपको पहले बताया कि जो डेजर्ट है, लेक्स है, रिवर है, ये सब क्या है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट है इंडिया में. इफ दिस इज कॉल्ड इंडियाज फीचर्स, फिजिकल फीचर्स. अब मैं आपसे पूछूं फिजिकल फीचर्स क्या है बच्चों, देन आप क्या रिप्लाई करोगे? इट हैज अ हाई माउंटेन, बिग प्लेट्यू, लार्ज प्लेन्स, डेजर्ट, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिजिकल फीचर्स. ठीक है. फिजिकल फीचर्स, द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की. व्हाट इज क्लाइमेट स्टूडेंट्स? लाइक जिसमें टेम्परेचर की बात हो, टेम्परेचर कैसा है वहां का, वाइंड कैसा है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज में. सम प्लेसेस हैव अ हॉट क्लाइमेट. कुछ प्लेसेस पे क्या होता है बच्चों, गर्म जगह होती है, गर्म होते हैं, हॉट होता है क्लाइमेट, गर्म हवाएं चलती हैं. एंड व्हाइल अदर हैव अ कोल्ड क्लाइमेट. एंड कुछ जगह ऐसी है जहां का क्लाइमेट कोल्ड होता है, लाइक ओशियन, माउंटेन्स, ठीक है. एंड डेजर्ट में बच्चों कैसा क्लाइमेट होता है? डे में तो होता है हॉट एंड नाइट में होता है कोल्ड. व्हाइल अदर हैव अ कोल्ड क्लाइमेट. गॉट इट. द एरिया ऑफ लैंड विच इज अ स्मॉलर, सिमिलर इन फीचर्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड जनरल वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिजिकल डिवीजन. अब मैंने क्या बताया, फिजिकल डिवीजन क्या होते हैं? जो हमारे फीचर्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिवीजन. अब डिवीजन देखें हमारे इंडिया के, तो कौन कौन से होते हैं? फाइव मेन होते हैं. लर्न करो बच्चों मेरे साथ. फर्स्ट इज अ नॉर्थन माउंटेन. नॉर्थन माउंटेन, माउंटेन पता है आपको, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं. एंड सेकेंड इज अ नॉर्थन प्लेन्स. नॉर्थन प्लेन्स कौन से होते हैं? जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, ठीक है. एंड थर्ड इज अ इंडियन डेजर्ट. डेजर्ट आपको पता है जहां कैमल रहते हैं, रेगिस्तान. एंड फोर्थ इज अ साउथर्न प्लेट्यूज, जो हमारे पठार होते हैं, ठीक है. एंड फिफ्थ इज अ द कोस्टल प्लेन्स. ये जो होते हैं इन्हें हम मैदान, बड़े बड़े मैदान बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स. We will read about each one of them in following lessons. Okay students, आपका ये chapter clear हुआ? आपने अच्छे से chapter को read करना है. And मैंने आपको map में बताई थी, एक कैसे dot बताई थी. Wait,
राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप मैप में देख सकते हो, पेज नंबर 222 निकालो बच्चों, लाइन से दिख रही है आपको, दिस इज लाइन, ये लाइन क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के मिड से जाती है। यू गॉट इट स्टूडेंट्स, आई होप यू क्लियर आवर चैप्टर, कीवर्ड अच्छे से रीड करना एंड योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।